हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो आज के टाइम में तो एग्जाम नहीं खेल हो रखे हैं। एक आरआरबी पीओ का एडमिट कार्ड का इंतजार हम बहुत टाइम से कर रहे थे, 1 तारीख से हम उसका इंतजार कर रहे थे। काफी बार आईबीपीएस को कॉल किया, काफी बच्चों ने कॉल किया, मैंने भी कॉल किया, उनका सेम रिप्लाई आ रहा था कि वेबसाइट को विजिट करें। कोई बात नहीं, हमने विजिट करते रहे। फिर उन्होंने कल एक नोटिस निकाला, नोटिस में आपको दिखाती हूँ। नोटिस में लिखा हुआ था कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम लोग 12 और 13 को एग्जाम नहीं ले पाएंगे। ये नोटिस उन्होंने 7/9/2020 को निकाली, कल ये नोटिस निकाला। कोई बात नहीं, हमने मान लिया कि नहीं ले पाएंगे, कोरोना चल रहा है, ट्रेन अवेलेबल नहीं है। हमने अपने मन में मान लिया कि इतने टाइम के बाद उन्होंने नोटिस दिया 7 तारीख को, हमने मान लिया चलो कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा एग्जाम, ठीक है, इतना टाइम के बाद। उसके बाद क्या हुआ, फिर आज उन्होंने वापस एक नया नोटिस निकाल दिया। नोटिस में क्या निकाला आप खुद ही देख लीजिए। नोटिस ऐसा था कि भाई दिल खुश कर दिया कि जो हमने कल बात कही थी कि 12 और 13 को एग्जाम नहीं हो पाएगा, उस बात को हम वापस दे रहे हैं और अब एग्जाम 12 और 13 को ही होगा। अब मुझे कोई ये बताए कि 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि उनको अपनी डेट्स को चेंज करना पड़ गया। कल उन्होंने बोला 12-13 को एग्जाम नहीं होगा और आज बोल रहे 12-13 को एग्जाम होगा। अब आप खुद सोचिए, आज 8 तारीख है, 12 तारीख में दिन ही कितने बचे, 4 दिन। आज को हटा देंगे तो केवल 3 दिन बचते हैं, 9, 10, 11 3 डेज बचे हैं। और वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने 12 तारीख को एडमिट कार्ड 12 तारीख का एग्जाम रखा है कि दिन कम बचे, उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए एक बात लिख दी यहाँ पे, क्या 99.26% कैंडिडेट्स ने अपने मर्जी से सेंटर भरा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, हमने अपने मर्जी से सेंटर भरा है। मान लीजिए बिहार में वैकेंसी अवेलेबल कम थी, बच्चों ने यूपी से भर दिया, राजस्थान में कम थी, किसी और स्टेट से भर दिया। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आरआरबी क्या है, स्टेट वाइज कट ऑफ पे जाती है और स्टेट वाइज वैकेंसी जाती है। हमने भरा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उस समय हमें ये बात थोड़ी ना पता थी कि आप 4 दिन पहले एडमिट कार्ड निकालेंगे। अगर वो स्पेसिफाई कर देते कि हम लोग एडमिट कार्ड 2 या 3 दिन पहले निकालने वाले हैं, शायद हम नियरेस्ट वाली स्टेट में भर देते, नियरेस्ट अपने घर के पास भर देते। नहीं, बात सही बात है। अब कोई बच्चे को मान लीजिए किसी और स्टेट में जाना है तो उसको बस से या ट्रेन जाना पड़ेगा ना, तो अभी कोई भी एग्जैक्टली व्हीकल्स भी अवेलेबल नहीं, कैसे जाया जाएगा, भगवान जानता है। तो आज के टाइम पे ये भगवान भरोसा सारी चीजें हो रखी है। उन्होंने एग्जाम की डेट निकाल दी कि 12 और 13 को एग्जाम होने वाला है, तो आज के डेट में कुछ भी हो सकता है, कलयुग चल रहा है, कुछ भी होना पॉसिबल है। लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगी, एग्जाम देके जाइए, पूरे एनर्जी के साथ देके आइए। मुझे पता है जाना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है पर डिफिकल्ट है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचिए कि कैसे जाना है, आपको दिमाग लगाइए कि कैसे बस का ट्रेन का जो भी रूट सुटेबल रहो। एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आईबीपीएस ने कुछ गाइडलाइंस अपनी इशू करी है कि क्या क्या चीज आपको लेके जानी है और क्या क्या चीजें नहीं लेके जानी है। पहली चीज, जो चीजें लेके जानी है, आपको मुंह पे मास्क लगा के ले जाना है, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए आपके, आपके पास खुद की पेन लेके जाना, खुद का सैनिटाइजर लेके जाना, आप लोग खुद की वाटर बॉटल लेके जानी है। और क्या नहीं लेके जाना, इयर रिंग्स वगैरह जो पहन के आते हैं कुछ भी लेके नहीं जाना है आपको, ठीक है, अपना जो सामान बताया। इसके अलावा कोई भी चीज़ वहाँ पे अलाउड नहीं है, दूसरी चीज़ ये है आपके वहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला है कि रोल नंबर्स भी अंदर ही लगाए जाएंगे, हर एक को बताया जाएगा, तो बाहर भी भीड़ खड़ी करने से कोई मतलब वाली बात, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर पहुंचिए, बहुत टाइम के बाद आपका एग्जाम होने जा रहा है, मतलब 2020 का मैं मानूंगी फर्स्ट एग्जाम होगा जो अब होने जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से पेपर देके जाइए और मैं कहूंगी आग लगा देना, बस फोड़ के आना पेपर को, बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से पेपर देके आइए। ऑल द बेस्ट एंड मेरी आप सबके साथ पूरी पूरी विशेष है, थैंक यू।